The second thing, Turn with me to Hebrews 3rd chapter 15th verse. हालेलुया। दूसरी बात, वो चीज जो हमें परमेश्वर से म्यूट कर देती है, उसकी आवाज को रोक देती है या फिर हम सुन नहीं सकते, वो है परमेश्वर कह, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज अगर तुम उसके स्वर को सुनो, उसकी आवाज को सुनो, इसका मतलब आप और मैं सुन रहे हैं, लेकिन हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात बोलता हूं, जब कोई बात करता है या फिर कुछ बोलता है, अगर मुझे उस व्यक्ति के लिए कोई रेस्पेक्ट ना हो, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं, उस व्यक्ति के लिए मुझे कोई रेस्पेक्ट ना हो या फिर इंपॉर्टेंस ना हो, तो मैं उसकी बात श्योरली आधा आधा सुनता हूं। आर यू श्योर? हस्बैंड्स डू दैट ऑलवेज। वुमेन्स डे पे एक सीक्रेट दे रहा हूं, नहीं, दैट डजंट मीन दैट। ओके, कई कई बातें होती है जब हम पूरा सुनना नहीं चाहते, वी डोंट गिव अटेंशन टू हियर, क्यों? हमारा हृदय उनकी ओर जहां सुन रहे हैं, इट इज नॉट अटेंटिव। हालेलुया। हमारा हृदय क्या हो गया, वो हमेशा बोलते रहते हैं ऐसे, है ना? और द अदर रीजन, दूसरी ओर बोलता हूं, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आमेन। हालेलुया। दैट इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ द हार्ट, राइट? व्हाट आई हैव हार्डनड, मैंने डिसाइड कर लिया, हाँ तुम एडवाइस देना चाहते तुम दो, लेकिन मुझे पता है मुझे, मैं क्या करने वाला। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है, ऐसे स्थिति में मैं क्यों बात कर रहा हूं तुमसे, व्हाई शुड आई स्पीक व्हेन यू हैव ऑलरेडी हार्डनड योर हार्ट। इसको मैं प्री कंसीव्ड आइडिया बोलता हूं, नहीं, प्री कंसीव्ड आइडिया मतलब मैंने ऑलरेडी पहले ही डिसाइड कर दिया, ऐसे 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 मैं करूंगा, कोई कुछ भी बोले, मैं अपनी जिंदगी ऐसे जीऊंगा, तुमको पसंद आए ना आए आप वो बात अलग है। दैट टाइम यू विल नेवर टेक एन एडवाइस, कभी तुम दूसरों की नहीं सुनोगे। तो परमेश्वर कहता है, व्हेन यू हैव ऑलरेडी, जब तुमने पहले ही निर्धार किया अपने हृदय को, व्हेन यू हार्डनड इट, यू हैव मेड अ डिसीजन, तुमने एक निर्धार कर लिया अपने आप में, तो मैं जब बोलूंगा तुम सुनोगे नहीं। You have muted yourself because you have already decided. समझ में आ रहा है? Hallelujah. हमने जिंदगी में कितने सारे चीजें already decide किया। अगर ये decision परमेश्वर की ओर से नहीं decide किया, then keep the door open. Hallelujah. अगर जो निर्धार किया है वो परमेश्वर की ओर से नहीं किया है, तो दरवाजा खुला रखे, अपना प्लान रखो। नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूं, एवरीबडी नीड्स टू प्लान, एवरी एक प्लान भी, ए भी होना है, बी भी होना है, सब कुछ होना है, लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो हमेशा एक पॉसिबिलिटी खुला रखना कि परमेश्वर तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। आमेन। हमेशा मेरा प्लान रहेगा, लेकिन तू जो बोलेगा मैं वही करने को तैयार हूं। आई विल नॉट हार्डन माई हार्ट, आई विल नॉट प्री डिसाइड इट, मैं पहले ही इसको डिसाइड नहीं करूंगा, लेकिन अगर तू लास्ट मोमेंट में भी चेंज करना चाहता है, आई एम रेडी लॉर्ड। आमेन। मैं कहता हूं, पीपल हु कैन बी दैट सेंसिटिव विल ट्रूली बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, जो चेंज करने के लिए रेडी रहते, नहीं नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए, परमेश्वर बोलता चल तू डिसाइड कर लिया, आई विल नॉट स्पीक टू यू।
Amen. क्योंकि अगर मैं बात भी करूं तो सुनने का नहीं. Why? Because you have muted yourself. Amen. कितने लोग आज चॉइस देना चाहते हैं परमेश्वर को? परमेश्वर को चॉइस देंगे? Yes. Hey brother, मेरा प्लान फुल प्रूफ है. Right? 18 साल का होगा मेरा बेटा, 21 का होगा, फिर बाद में 30 का होगा. सब इन्वेस्टमेंट प्लान करके रखा है मैंने. परसों बोल रहा था स्कूल में, लाइफ थ्रोस अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस, है ना? तो इसलिए बच्चों को बोल रहा था, ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ, वॉट इफ. हालेलुया, वॉट इफ. आमेन. लेकिन इसलिए बोलता हूं, व्हेन गॉड इज विद अस, दूसरों को नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, लेकिन हमको एक श्योरिटी है. परमेश्वर बोलता है, आई विल स्पीक टू यू अगर तुम अपने हृदय को कठिन ना करो. आमेन. जब मोसेस आया इसराइलियों को छुड़ाने के लिए, वचन कहता है देयर हार्ट्स वेर हार्डन्ड, देयर हार्ट्स वेर हार्डन्ड. उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी परिस्थिति अभी बदलेगी नहीं, हम जिंदगी भर स्लेव्स ही रहेंगे. परमेश्वर एक आवाज मूसा को बनाकर भेजा था, अ वॉइस केम टू हिम, केम टू देम सेइंग यू विल बी रिडीम्ड. लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमको आदत पड़ गई है अभी, we have decided हम लोग ऐसे ही रहेंगे, है ना, हम कभी नहीं बदलेंगे. हालेलुया. हम अपने आप को, है ना, कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं हमारे, कुछ अपने आप में हम लोग एक रूल्स बना लेते हैं अपने लाइफ को. गुड इट इज, नहीं बोल के नहीं, बट व्हेन इट कम्स टू गॉड, जब परमेश्वर के लिए संबंध में आता है, ऑलवेज बी रेडी टू चेंज टू एनी एक्सटेंट. Amen. मुझे पसंद आए या ना आए, आई स्टिल वॉन्ट टू चेंज, बिकॉज रीजन चेंज होने का नहीं है, रीजन बींग लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड. हालेलुया. मेरी इच्छा क्या चेंज होता है, मुझे कितना कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल है, वो नहीं. मेरी इच्छा क्या है, मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलूं, उसके द्वारा चलाए जाऊं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी. Amen. That is where I humble myself and start hearing from God. Amen. Pehli baat, unconfess it. Second, get out of your preconceived ideas. Apne pehle hi nirdhar jo kar kiye hai, us Parmeshwar ko ek option denge hum. Parmeshwar, if you want to change, I'm ready. I'm ready for that. Kuch bhi change kar sakta hu main. Agar तेरी आवाज मुझ तक हमेशा रहना है. आमेन. हालेलुया. कितने बार हमको लगा है क्यों परमेश्वर बात नहीं करता, बिकॉज यू एंड आई, हम लोग बॉक्स डाल दिए, वो बोलेंगे इसके बाहर नहीं जाएंगे हम लोग, वी विल नॉट गो आउटसाइड दिस बाउंड्री, क्योंकि किसी ने नहीं किया, क्योंकि हमने देखा है उन्होंने बाउंड्री क्रॉस किया, उनके साथ गलत हो गया. वी आर अफ्रेड. हालेलुया. चलो ठीक है, एक एग्जांपल बोलता हूँ. एक आदमी था, मैं बहुत साल पहले जब वीडियो नहीं था, रेडियो पे मैसेजेस आते थे तो वो बहुत सुनता था. एक प्रीचर बहुत पसंद आया उसको, जब भी सुनता बहुत इनकरेज होता उसको, ही उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगा. रोज सुनता था, रोज ट्रांसफॉर्म होने लगा, यू नो ही वाज सो हैप्पी, उस टाइम को मिस नहीं करता है. एंड दैट प्रीचर बिकेम अ फेवरेट ऑफ हिज. तो एक दिन वो ही रेडियो प्रोग्राम में क्वेश्चन आंसर का टाइम आया, तो ही वाज रेडी फॉर दैट, राइट. एंड उसने कुछ क्वेश्चंस भेजे,
उसने कई सारे क्वेश्चंस थे बिब्लिकल में, और लास्ट में एक क्वेश्चन था, व्हाई इज दैट वुमेन प्रीचर्स आर नॉट अलाउड, राइट? तो बाद में सब आंसर होने के बाद वहां से आंसर आया जो बोल रहे थे, तो उसने बोला आज तक कितना ब्लेस हो गया आप प्रीचिंग के द्वारा, और उसने बोला आप तो मेरे फेवरेट बन गए बिकॉज यू टच माय हार्ट एंड आई आल्सो बिलीव दैट वुमेन शुड नॉट प्रीच। तो इसने सुना और बोला मे बी, फिर बाद में उसने लास्ट में बोला, वहां से आवाज आई, आई एम अ वुमेन हु इज प्रीचिंग। पता है किसका है टेस्टिमनी? जॉयस मेयर का है। उसके आवाज रेडियो में जब आती थी तो इट वॉज अ मैनली वॉइस, राइट? बट दैट डे ही रेडिली एग्रीड एंड चेंज्ड हिज आइडिया, राइट? और एक व्यक्ति है जो बोलता है हमेशा, वुमेन्स डे है इसलिए बोल रहा हूँ, राइट? एक प्रीचर है, श्याम बैग बोल के एक प्रीचर था, राइट? ही सेज देर आर नो मेन प्रीचर्स, देर आर नो वुमेन प्रीचर्स, देर आर ओनली अनॉइंटेड प्रीचर्स, बाकी कोई प्रीचर नहीं है। आमेन, इफ यू आर अनॉइंटेड यू आर अ प्रीचर। हालेलुया। So, कई बार हमें अपने आइडिया को चेंज करना पड़ता है, राइट? व्हेन गॉड इज रेडी टू क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ हेवन एंड अर्थ। हालेलुया। मैं हमेशा सोचता हूं, हम कई बार अपने रूल्स को तोड़ना नहीं चाहते, हम अपने बाउंड्रीज को पार करना नहीं चाहते। व्हाट इफ गॉड वुड हैव स्टॉप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ हेवन इटसेल्फ। हालेलुया। सल्वेशन किसको मिलता? तो परमेश्वर कहता है जब मैं चलाऊंगा, जब मैं बात करूंगा, बी रेडी टू चेंज। आमेन। अगर पहले से ही निर्धार करके रखा है नहीं मैं बदलने वाला नहीं, तो परमेश्वर बात नहीं करेगा। द हार्डनिंग ऑफ माई हार्ट विल म्यूट मी फ्रॉम लिसनिंग टू गॉड। आमेन। एम आई मेकिंग इट वेरी सिंपल? समझ में आ रहे? ओके, राइट, दैट्स द सेकेंड थिंग।